Assalamualaikum, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम सैमसंग टैब का टैब ए 2016 का FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अनलॉक टूल ओपन करूंगा और इसका मॉडल जो है वो यहाँ पे सर्च करूंगा। ये सैमसंग की आप पोर्ट चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये मेरी जो पोर्ट है आप चेक कर सकते हैं, सैमसंग टैब है 2016। तो ये फंक्शन है इसके, और फंक्शन के अलावा मैं अब यहाँ पे सर्च करूँगा इसका T285। तो मैं यहाँ से फंक्शन में आप देख सकते हैं सारे फंक्शन है। इसको डाउनलोड मोड के अंदर मैंने वहाँ पे कनेक्ट करना है अपनी डिवाइस को। तो ये ऑलरेडी डाउनलोड मोड के अंदर है, तो मेरी डिवाइस ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑदिन पे आके सिंपल रेज FRP पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें, ये इस पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इसकी वर्किंग जो है ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके बाद मेरा टैब जो है वो ऑन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगी, तो मैं यहाँ से इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये अब इस पर राइटिंग स्टार्ट हो गई है, और ये क्लोजिंग कनेक्शन और रीबूट, ये मेरी डिवाइस जो है वो रीबूट हो गई है, टैब जो है मेरा वो रीबूट हो गया। तो रीबूट होने के बाद ये अब ऑन होगा। तो ऑन होने के बाद जो है ये FRP आप देख सकते हैं, इसकी जो FRP होगी वो रिमूव हो जाएगी और ये डायरेक्ट होम स्क्रीन पर चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो डिवाइस है वो हो गई हुई है। ये मैंने पिन उतार दी और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरी FRP जो है वो रिमूव हो गई है, और ये इंतहाई आसान था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।